गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसको हम अपने नॉर्मल ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं, वो नॉर्मल वेब के अंदर आती है। जो भी इंटरनेट हम डेली यूज करते हैं और जिसके बारे में हमें पता है और हम अपने नॉर्मल गूगल क्रोम या किसी भी और नॉर्मल ब्राउजर से यूज करते हैं, दैट इज द नॉर्मल वेब, या फिर हम उसे सरफेस वेब भी बोल सकते हैं। सरफेस वेब बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, लाइक हम सब सरफेस वेब यूज करते हैं। अब तो हर एक इंसान के पास इंटरनेट आ चुका है। इंडिया में देख लो, छोटे से छोटे इंसान के पास इंटरनेट है और हम सबके सब सरफेस वेब यूज करते हैं। लेकिन सरफेस वेब पूरे के पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है, सिर्फ 4-5%। और हमें पता है कि इंटरनेट कितना बड़ा है। इंटरनेट पूरे के पूरे ग्लोब पे फैला हुआ है, लाइक ऑलमोस्ट हर एक इंसान इंटरनेट यूज करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बचा हुआ इंटरनेट है, जो 95% है इंटरनेट का जो हमें पता नहीं है, उसके अंदर ऐसा क्या है? सीधा आता हूं पॉइंट पर। जो भी इंटरनेट हम डेली यूज करते हैं या हम सब ने यूज करा हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, दैट इज द सरफेस वेब। गूगल, याहू, फेसबुक, जो भी नॉर्मल वेबसाइट्स है, यूट्यूब, ये सारे सरफेस वेब के अंदर आते हैं। जो भी इंटरनेट हम नॉर्मल किसी ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज द सरफेस वेब। सरफेस वेब के ऊपर ही इतनी सारी वेबसाइट्स है और इतने सारी चीजें हैं कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। लाइक हजारों, लाखों, करोड़ों वेबसाइट्स हैं और हमें कुछ गिनी चुनी वेबसाइट्स ही पता है, एंड हमें वो गिनी चुनी वेबसाइट्स भी बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं। हम इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट के बारे में हमने अभी डिस्कस ही करा, जो था सरफेस वेब। अब जो सरफेस वेब के बाद दूसरा पार्ट आता है, जो काफी बड़ा है सरफेस वेब के कंपैरिजन में, दैट इज द डीप वेब। डीप वेब वो इंटरनेट है जो हम किसी अपने नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, डीप वेब को तुम अपने नॉर्मल गूगल क्रोम से एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें एक अलग ब्राउजर चाहिए होता है। डीप वेब पे जाना सरफेस वेब पे जाने से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, और जब तुम डीप वेब पे जाते हो तो तुम अनोनिमस रहते हो, दैट इज कि तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है सरफेस वेब और डीप वेब के बारे में और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उनमें से काफी सारे लोगों को यह लगता है कि डीप वेब पे सिर्फ और सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज चलती है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इन इलीगल एक्टिविटीज को मैं अभी आगे वीडियो में थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन डीप वेब पे ज्यादातर चीजें हिडन इसलिए होती है क्योंकि वहां पे एक सिक्योरिटी रहती है। जिस प्राइवेसी को हम दिन भर दिन लूज करते जा रहे सरफेस वेब पे, वो प्राइवेसी डीप वेब पे मेंटेन रहती है। वहां पे कोई भी इंसान एकदम अनोनिमस रह के कोई भी चीज खरीद सकता है और कुछ भी चीज ट्रेड कर सकता है, कुछ भी चीज सर्च कर सकता है, कुछ भी चीज जान सकता है या पोस्ट कर सकता है। डीप वेब इज अ प्लेस जहां पे तुम एकदम हिडन रह के कुछ भी इन्फो शेयर कर सकते हो। अब अगर मैं तुम सब लोगों को बोलूं कि तुमने कहीं ना कहीं डीप वेब को यूज करा हुआ है, तो तुम क्या मेरे को बिलीव करोगे? बिलीव करो ना करो, बट दैट इज द ट्रुथ। हम सब ने कभी ना कभी डीप वेब यूज कराई है। जिन भी साइट्स में हमें लॉगिन करना पड़ता है और जहां पे पासवर्ड सिक्योरिटी रहती है, वो सब कहीं ना कहीं डीप वेब से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यूट्यूब पे भी लॉगिन करते हो या फेसबुक पे भी लॉगिन करते हो, तो तुमने देखा होगा जब तुम पासवर्ड एंटर कर रहे होते तो वो हिडन होता है और वो सारे पासवर्ड्स और यूजर नेम्स एक जगह स्टोर्ड होते हैं, वो सारा डेटा एक जगह स्टोर्ड होता है, और वो जो डेटा जहां पे स्टोर्ड होता है, दैट इज द डीप वेब। डीप वेब पे ही सारे ये पासवर्ड्स और लॉगिन डिटेल्स सेव्ड होती हैं, जिससे उन्हें कोई जल्दी से हैक ना कर पाए। जैसे कि मैंने बताया था कि डीप वेब पे वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और प्राइवेसी रहती है, इसी वजह से ये सारी लॉगिन डिटेल्स वहीं रहती है। काफी लोगों को लगता है कि डीप वेब पे सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम डीप वेब पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वेबसाइट्स होती है और अलग अलग सोर्सेज होते हैं, लेकिन डीप वेब पे काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती है। अभी हम डीप वेब पे वापस आएंगे, लेकिन मेरे को तुम सब लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में बात करनी है। अभी काफी जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और काफी जगह पे नहीं लगा हुआ है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से मेजोरिटी लोग अपने घर से ही सामान ऑर्डर कर रहे हैं। तो तुम सब लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की ऐप है मेरे पास, जिसका नाम है कैश करो। तो गाइज, कैश करो की ऐप में तुम्हें Amazon, AJIO, Myntra जैसी ऐप्स पे कैशबैक तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ काफी सारे मेडिसिन रिटेलर्स जैसे 1MG, Netmeds और MedLife पे भी तुम्हें काफी ज्यादा कैशबैक मिल सकता है। तुम ग्रोसरीज भी Amazon और ITC जैसी ब्रांड से ले सकते हो और उस पे भी तुम्हें बहुत से कैशबैक मिलेगा। बेसिकली जो भी ऐप्स है जो तुम इस लॉकडाउन में यूज कर सकते हो, वो सारी की सारी ऐप्स तुम्हें एक ही ऐप में मिल जाएगी, कैश करो में, और इसके साथ तुम्हें बहुत से कैशबैक भी मिलेगा।
एकदम असली कैशबैक जिसको तुम सीधा अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें Amazon जैसी साइट्स यूज करते रहना है कैश करो के थ्रू, और तुम्हें इसके वजह से काफी ज्यादा कैशबैक और डिस्काउंट मिलेगा। कैश करो तुम्हें डिस्काउंट्स के ऊपर कैशबैक देगा, और कैशबैक कैश ऑन डिलीवरी पे भी अवेलेबल है। गाइस, कैश करो सबसे बड़ी ऐप है जिसके अंदर खुद रतन टाटा ने इन्वेस्ट करा है। तो तुम्हें करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, तुम्हें डाउनलोड करना है और साइन अप करते ही तुरंत तुम्हें 25 रुपीज का बोनस मिलेगा। या फिर इस ऐप को तुम सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और कोड Fink25 यूज कर सकते हो फॉर 25 रुपीज बोनस। और इस ऐप में तुम्हें काफी सारे रिटेलर्स मिलेंगे, तुम अपने रिटेलर को आराम से नाम से सर्च कर सकते हो और आराम से शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग करने के बाद तुम कैश करो के अर्निंग सेक्शन में जाओगे तो वहां पे तुम्हें ऑटोमेटिकली कैश बैक मिल जाएगा, देन इसको तुम आराम से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइज, मैंने कैश करो से बात करी है और उन्होंने मेरे साथ मिलके एक छोटा सा गिव अवे रखा है। तुम में से किन्हीं 6 लोगों को 3,000 रुपए तक के Amazon गिफ्ट कार्ड्स मिलेंगे। तुम्हें बस नीचे दिए गए कैश करो के लिंक पे जाके साइन अप करना है, और हो सकता है कि तुम इस 3,000 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर को जीत जाओ। गाइज, नीचे दिए हुए लिंक को चेकआउट करना मत भूलना। अब वापस आ जाते हैं वीडियो पे। अब वीडियो थोड़ी सी डार्क होने वाली है। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमें अलग ब्राउजर चाहिए होता है, और उस ब्राउजर का नाम है द अनियन राउटर या फिर द अनियन ब्राउजर। उसका नाम अनियन ब्राउजर इसलिए रखा गया है क्योंकि अनियन जो प्याज होती है उसकी अलग अलग लेयर्स होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है, और वो सेम प्रोसेस यूज होता है जब तुम अनियन राउटर यूज करते हो। मल्टीपल लेयर्स के नीचे तुम्हारी आइडेंटिटी एकदम हिडन हो जाती है, और बार बार चेंज होने वाले एड्रेसेस की वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन रहती है, और इसी वजह से काफी सारे क्रिमिनल्स आके डीप वेब पे इलीगल चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग वेपन्स, सेलिंग ड्रग्स, इवन सेलिंग ह्यूमन ऑर्गन्स। डीप वेब पे जाके तुम्हें ऐसे हैकर्स मिल जाएंगे जो तुमसे सिर्फ 50 रुपए लेके किसी का बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं, या फिर किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लाके दे सकते हैं, या फिर किसी की इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी हैक कर सकते हैं। इतने पावरफुल हैकर्स तुम्हें डीप वेब पे मिल सकते हैं, और दुनिया भर के जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और एलीट क्रिमिनल्स होते हैं वो तुम्हें डीप वेब पे मिल जाएंगे। और एक और चीज जो डीप वेब पे अवेलेबल है जो काफी ज्यादा फक्ड अप है इज कि तुम हिटमैन हायर कर सकते हो, हिटमैन या कोई असैसिन हायर कर सकते हो, और तुम कुछ थोड़े से पैसे देके किसी का मर्डर करा सकते हो। तुम बस थोड़े से पैसे देके किसी को असैसिनेट करा सकते हो। डीप वेब पे इस लेवल की इलीगल एक्टिविटीज होती है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी डीप वेब पे जो भी साइट्स होती है जो ऐसे वेपन्स, ड्रग्स या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो सब के सब पेमेंट बिटकॉइन में लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं करा जा सकता। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई जाके डीप वेब पे कोई असैसिन हायर कर रहा है, कोई हिटमैन हायर कर रहा है, तो अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तो नहीं देगा। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली काफी सारी साइट्स स्कैम भी होती हैं, लेकिन इनके अंदर से कुछ गिनी चुनी साइट्स एक्चुअली रियल होती हैं, और तुम रियल में असैसिन हायर कर सकते हो। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी तक बताया कि सरफेस वेब क्या है और डीप वेब क्या है, कि सरफेस वेब सिर्फ 4-5% है पूरे इंटरनेट का और बाकी पूरा इंटरनेट डीप वेब है, सेम वे में पूरे डीप वेब का जो एकदम बॉटम है, जो लास्ट का 4-5% है, जो सबसे डार्क एरिया इंटरनेट का, दैट इज कॉल्ड द डार्क वेब। और अगर तुम्हें डीप वेब के बारे में जान के ही थोड़ा अजीब लगा है और तुम्हें ये लगा है कि ओ शिट, हमारे सामने सामने दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है और हमें पता ही नहीं है, तो डार्क वेब के बारे में जानने के बाद तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि सरफेस वेब क्या है और डीप वेब क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि डार्क वेब क्या है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे होश उड़ने वाले अगर तुम्हें डार्क वेब के बारे में नहीं पता। तो आई रियली होप कि तुम लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो में। अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें सरफेस वेब और डीप वेब के बारे में पहले से पता है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, तो प्लीज मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में।